आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से आज जो है जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, वशीकरण करने वाली, किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांधने वाली। और यह जो वशीकरण है, यह जो शक्ति है, यह आपको प्राप्त होगी एक पान के पत्ते और एक दीपक, एक दिए के द्वारा। तो इससे आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं, रूठे हुए व्यक्ति को मना सकते हैं। तो अगर एक तरफा प्यार है तब भी आपको मन चाहे प्यार की प्राप्ति हो सकती है इस वशीकरण टोटके के द्वारा। और अगर आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कोई तकरार हो चुका है, और जो आपका प्यार है आपको छोड़कर चला गया है, तब उसकी भी वापसी होगी इस टोटके के द्वारा। और बिल्कुल सरल ये टोटका है, वशीकरण करने वाला, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाला। और यह जो वशीकरण टोटका है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के बाद मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, रूठे हुए को मना सकते हैं। तो यह जो टोटका है, इसकी विधि की जो जानकारी है, इसके लिए आपने एक पान का पत्ता लेकर आना है। वह जो पान का पत्ता है डंडी वाला होना चाहिए, साबुत पत्ता लेकर आना है आपने। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद यह जो पान का पत्ता है, इसको घर में लाने के बाद इसको शुद्ध कर ले, पानी से धो लें। उसके बाद आपने एक लाल वाला थोड़ा सा सिंदूर लेना है, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, अगर रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, प्रेम संबंध बढ़ाना चाहते हैं, इनकार को इकरार में जो आप बदलना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का आपने नाम ध्याने के बाद अपने मन में उसके नाम का केवल एक तिलक, एक टीका इस पान के पत्ते के ऊपर लगाना है, केवल टीका लगाना है, उसका नाम नहीं लिखना आपने। और टीका लगाने के बाद फिर तुरंत आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक दीपक रखना है। दीपक जो होना चाहिए दिया, या तो तिलों के तेल का या फिर चमेली के तेल का दीपक। आप एक माटी का दिया ले लें, उसमें बाती डाल दें, उसके बाद उसमें जो ये तेल है चमेली का या तिलों का तेल आपने डाल देना है। उसके बाद इसको आपने तुरंत लेकर जाना है किसी केले या केली के पौधे की जड़ में। केला हो या केली का पौधा हो तो उसकी जड़ में इसको आपने लेकर जाना है। उसकी जड़ में रखने के बाद आपने इस दीपक को रोशन कर देना है अपने प्यार का ध्यान धरते हुए, माता मोहिनी वशीकरण देवी का ध्यान धरते हुए। और यह जो विधि है, रविवार से लेकर गुरुवार तक 5 दिन रेगुलर ऐसे ही करते रहें। और यह जो दीपक आपने रोशन करना है, सुबह जागते ही आप निहार मुंह आपने बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आपने इस विधि का प्रयोग करना है, साफ वस्त्र पहनने के बाद। तो इससे आप अपने रूठे हुए प्यार को पा सकते हैं, इनकार को इकरार में बदल सकते हैं, प्रेम संबंध बढ़ा सकते हैं। तो यह था वशीकरण टोटका एक पान के पत्ते के द्वारा। आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो आपको मन चाहे प्यार की प्राप्ति होगी। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी, लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरव। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए, आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं।
और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।